बस यहाँ पर मार्शल करने हैं, एम्बिटन 2 आ चुका है, तो बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, बैटरी लाइफ के बारे में, फीचर्स और हर एक चीज़ जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है इसको खरीदने से पहले। हे व्हाट्स अप, मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्पीकर पे बेस्ट डील्स ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं। हाल ही में मार्शल ने अपने सारे स्पीकर्स अपडेट किए हैं, जैसे कि स्टैनमोर 3, वर्वन 3, एक्टोन 3, विलन, नया विलन स्पीकर आया है और नया एम्बिटन 2। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था इनको चेक करने के लिए, तो मैंने यह एम्बिटन 2 और विलन खरीद लिया। आज की वीडियो में हम एम्बिटन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप विलन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टॉप राइट कॉर्नर से देख सकते हैं, और अगर इन वीडियोज़ को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली स्टैनमोर 3 और इनके दूसरे प्रोडक्ट्स की वीडियो भी पक्का बनाऊंगा। पर ये रही रिटेल बॉक्स, इसको ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमारे को सबसे पहली चीज़ मिलती है यूज़र मैनुअल, उसके बाद हमारा सितारा मिलता है इसके अंदर, जो मेन स्टार है आज की शो का, वो है ये स्पीकर, और लास्टली हमारे को मिलती है USB-C चार्जिंग केबल। अब स्पीकर को भी अनरैप कर लेते हैं। वाह, कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लग रहा है यहाँ पर, मतलब एकदम टॉप नॉच प्रोडक्ट लग रहा है। टेक्सचर इसका काफ़ी बढ़िया है और बनता भी है, जब आप कोई मार्शल या फिर कोई भी इतना महंगा स्पीकर खरीद रहे हैं तो प्रीमियम तो फील होना चाहिए। जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी सही लग रहा है। इसके ऊपर सारे हमारे को कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और सबसे सुंदर चीज़ जो इसके अंदर दी हुई है वो है ये ब्रास डी पैड कंट्रोलर, तो इससे आप मीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको दबा के रखो तो इसे स्पीकर ऑन ऑफ हो जाता है, अगर एक बार दबाएँ तो प्ले पॉज होता है। ऊपर नीचे आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, और लेफ्ट राइट अगर दबाएं तो इसका ट्रैक चेंज हो सकता है, और अगर आप प्रेस करके रखें लेफ्ट या राइट में ट्रैक को सीक भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको लेफ्ट या राइट होल्ड करके रखते हैं तो आप फॉरवर्ड और रिवाइंड भी कर सकते हैं। अब इसके लेफ्ट में आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ बटन, जिससे आप नए डिवाइस को पेयर कर सकते हैं या फिर इसका स्टैकिंग मोड जो होता है वो भी इनेबल कर सकते हैं। अब बैटरी परसेंटेज देखने के लिए इसके अंदर राइट साइड में आपको एक मीटर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी डिटेल्ड है। यहाँ पे 10 डिविजन्स की हुए इन्होंने, तो हमारे को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैटरी पता चलती है कि कितने स्पीकर के अंदर बैटरी रह चुकी है। अब एक सजेशन मेरा ये था कि ये इसके अंदर वॉल्यूम भी दिखा सकते थे, मतलब जैसे कि जब आप वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए ऐसे फ्लैश करे वॉल्यूम और उसके बाद वापस बैटरी दिखाने लग जाए। अब चार्जिंग के लिए हमारे को थैंकफुली इसके अंदर एक USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है राइट साइड पे। और बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर जैसे कोई अननोन अमाउंट ऑफ बैटरी MAH है, मतलब MAH वगैरह पता नहीं चली, ना बॉक्स पे, ना वेबसाइट पे, ना स्पीकर पे, कहीं नहीं दी हुई, तो पता नहीं क्या है इसके अंदर। पर इस डिवाइस के अंदर हमारे को मिलती है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़, तो अगर आप इसको 20 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 घंटे का प्लेबैक, और जब आप इसको फुल चार्ज करेंगे, जिसको 3 घंटे लगेंगे चार्ज करने में, और उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 5 वोल्ट 3 एम्प का चार्जर। एक बार चार्ज करने के बाद ये चलेगा 30 घंटों के लिए, जो कि काफ़ी खतरनाक बैटरी बैकअप है इस छोटे से स्पीकर के लिए। तो अगर किसी को स्पीकर्स के मामले में बैटरी लाइफ की दिक्कत लगती है तो ये वाले उसके लिए बेस्ट रहेंगे। अब अगर आपके पास कोई 5 वोल्ट 3 एम्प वाला चार्जर नहीं है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओवरऑल बात करूं इस डिवाइस की, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब अगर आपको साइज से दिक्कत नहीं देता आप इसको ट्रैवल करते हुए लेके जा सकते हो अपने साथ। हालांकि ये कोई पॉकेट साइज स्पीकर नहीं है, पर आपके पास अगर बैकपैक है या फिर साइड बैग वगैरह छोटा वाला बैग तो उसमें डेफिनेटली आ जाता है पूरा। अगर आपको साइज की इतनी ही दिक्कत है कि आपको पॉकेट साइज चाहिए तो आप डेफिनेटली विलन देख सकते हैं, वो काफी छोटा है, आपकी जेब में भी आ जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। पर बात करो इसके ओवरऑल वेट की, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंस फील होता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब छोटा सा और वेट वाला। हालांकि ये सिर्फ 700 ग्राम का है, पर पूरा का पूरा डिवाइस काफ़ी ऐसे रोबस्ट सा लगता है, मतलब एकदम सॉलिड। सर पे मारना हो, किसी सर सुर फोड़ना हो तो उस काम भी आ सकता है ये, अगर आप चाहें तो, पर काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको ये करना। अब जो डिवाइस है आसपास, इसके आप लेदर टेक्सचर देखने को मिलेगा आपको, जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगता है फील में। हालांकि ये रबर है पर फिर भी ऐसा कोई चीप वगैरह नहीं लगता, काफ़ी ओरिजिनल लगता है ये देखने में। अब फ्रंट और बैक में आपको मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी, फ्रंट साइड पर आपको मार्शल लोगो मिलेगा, पीछे नहीं है, पर ओवरऑल डिवाइस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और टॉप नॉच लगता है। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर हमारे को मिलती है IP67 वाटर एंड डस्ट रेटिंग, तो पानी के छींटे वगैरह, बारिश बुरिश थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस स्मार्ट बॉय के अंदर हमारे को काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.1 विद ड्यूअल पेयरिंग, तो आप और आपका पार्टनर दोनों एक ही टाइम पे अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और लड़ा के एक एक बार अपना गाना चला सकते हो। इसकी ब्लूटूथ रेंज भी काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर मेरे को 10 मीटर्स मिलती है, मैंने चेक करके देखी, टेस्ट करी, और 10 मीटर से ज़्यादा भी चलता है, तो अगर ओपन एरिया है तो उसमें भी सही रहता है ये। एक और ग्रेट फीचर एम्बिटन 2 के अंदर हमारे को मिलता है, और मतलब हर एक मार्शल स्पीकर में मिलता है, वो है इनकी डेडिकेटेड ऐप, जिसकी रेटिंग बहुत बुरी है पर मेरे लिए काम कर रही है तो मेरे लिए सही है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और एक बार करने के बाद आप
उसके अंदर जाके कस्टमाइज कर सकते हैं इसके साउंड वगैरह, जैसे कि आप प्रीसेट चूज कर सकते हैं ईक्यू का, मतलब आपको बेस ज़्यादा चाहिए, वॉइस वाले ज़्यादा चाहिए या डिफ़ॉल्ट मोड चाहिए, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो डिफ़ॉल्ट मोड है उसके अंदर सारे गाने अच्छे लगते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिप हॉप वगैरह सुनना है तो आप पुश मोड पर जा सकते हैं, जिसके बेस बढ़ जाती है, और अगर आपको सिर्फ अकूस्टिक सुनने हैं तो आप वॉइस मोड में जा सकते हैं वॉइस ईक्यू पे। एक और फीचर ऐप से मिलता है वो है OTA अपडेट, तो ओवर द ईयर अपडेट अगर आती है वो भी आप अपने स्पीकर पे कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे को एक और फीचर मिलता है इसके अंदर, वो है स्टैकिंग मोड। तो अगर आपके पास दो एम्बिटन 2 हैं आपके और आपकी बीवी के पास, तो आप दोनों उसको कनेक्ट कर सकते हो आपस में, तो आप दोनों स्पीकर को कनेक्ट करके काफ़ी लाउड और स्टीरियो साउंड का लुक्स उठा सकते हैं। अब कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर मिसिंग लगे मुझे, वो है एक पहला ये कि इसके अंदर ऑक्स इनपुट नहीं दी हुई। हालांकि आजकल ऑक्स इनपुट नहीं मिलती हमारे को स्पीकर वगैरह, मतलब फ़ोन वगैरह में, पर अगर इन्होंने दी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ओल्डर डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे और काफ़ी कन्वीनियंट होता है, ब्लूटूथ पेयरिंग पूरी ये वो तार लगाकर चल जाता है। और अगला मिसिंग फीचर है इसके अंदर कोई माइक्रोफोन नहीं दिया हुआ। हालांकि जैसे विलन के अंदर आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है जिससे आप कॉल्स वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने। मतलब मेरे लिए खुद भी मैं प्रेफर करता कि इसके अंदर अगर इनबिल्ट माइक होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो अगर आपके लिए मस्ट है कि आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली विलन पे देखिए। और एक और इसका मतलब ये भी है कि इसके माइक नहीं है तो आप इसके वॉइस असिस्टेंट भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये थे सारे फीचर्स। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में किसी भी ऑडियो डिवाइस की, और स्पेशली जब आपके इतने सारे पैसे लगे हों, वो है साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार हल्का सा साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं, पता लगाते हैं कि मतलब कुछ फाउंडेशन हो जाती है तैयार कि मतलब हम बात कर सकेंगे किस तरह की साउंड है। तो इसको बहुत ही सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस होगा रियल लाइफ और इस ऑडियो टेस्ट में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके साउंड को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये माइक, ये रूम और जिस हेडफोन्स पे आप ये टेस्ट सुन रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। तो इसको थोड़ा सा नमक के साथ लीजिएगा तो पचाने में आसानी होगी। तो इसको ऑन कर लेते हैं और ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी ये डिफ़ॉल्ट मार्शल वाली EQ पे है, उस पर सुनते हैं एक बार। Left and I'm losing my
it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. काफ़ी सीरियस साउंड टेस्टिंग थी, मतलब काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं एम्बिटन 2 मैं कहूँगा, मतलब साउंड क्वालिटी वाइज काफ़ी सही आवाज़ निकालते हैं, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पैसे बिल्कुल सही जगह लगे हैं। अब एम्बिटन 2 के अंदर क्या सीन है कि इसके अंदर 10 वॉट के ड्राइवर दिए हुए हैं, एक आगे एक पीछे, और एक बेस रेडिएटर दिया हुआ है एक आगे एक पीछे। तो होता क्या है कि इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के क्या किया है कि जो इसका एक ड्राइवर है फ्रंट वाला, वो लेफ्ट चैनल प्रोड्यूस करता है जो लेफ्ट साउंड होती है, और जो बैक वाला ड्राइवर है वो राइट चैनल प्रोड्यूस करता है, और जो बेस रेडिएटर हैं ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो इस सब को मिला के होता है कि आपको बहुत ही बढ़िया साउंड मिलती है, और काफ़ी वाइड साउंड मिलती है, और सारी फ्रिक्वेंसी रेंज कवर करता है ये, और साथ ही साथ इसकी वजह से आपको 360 साउंड भी मिलेगी, और सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया होगा इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। मेरा मतलब है कुल मिला के इसकी काफ़ी ख़तरनाक वाली आवाज़ है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई बेस्ट साउंडिंग पोर्टेबल स्पीकर प्रीमियम वाला नो कॉम्प्रोमाइजेस, तो डेफिनेटली एम्बिटन 2 इज शुड बी योर चॉइस। प्राइस वाइज ये है 17,500 रुपीज़ का, और जो विलन लॉन्च हुआ है इंडिया में ये वाला है 10,000 रुपीज़ का। तो अगर आप बाहर रहते तो मैं आप डेफिनेटली कहता कि अगर आप विलन ले रहे हैं तो आप $50 लगा के ये ले लीजिए, क्योंकि 4,000 का फ़र्क बनता है बाहर, और आपको साउंड अच्छी मिल जाती है, और काफ़ी लाउड भी मिलता है आपको ये। पर इंडिया में आपको ये 7,500 रुपये की डिफरेंस हज़म करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कोई बेस्ट साउंडिंग स्पीकर, आपका बजट है आपके पास 17,500 रुपये खर्चने के लिए, तो आप डेफिनेटली आँख बंद करके ये ले लीजिए। और अगर आप वैसे विलन लेते हैं तो ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आपका बजट 10,000 रुपीज़ है। मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इतना ज़्यादा आपको जंप करें, अपने बजट को स्ट्रेच करें, कोई सेंस नहीं बनती। तो अगर आप विलन लेते हैं तो आप कोई ऐसे बड़ी कोई भूल नहीं कर रहे, ये भी बेस्ट साउंडिंग स्पीकर है अंडर 10,000 रुपीज़, ये 20,000 अंडर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है, आप कितने लगाना चाहते हैं एक स्पीकर के लिए। पर जहां तक दोनों का सवाल है तो दोनों ही बेस्ट साउंडिंग स्पीकर हैं अंडर दिस प्राइस पॉइंट। काफ़ी सोच समझ के फैसला कीजिएगा, और आपका काम आसान करने के लिए मैं बेस्ट डील्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों के स्पीकर के लिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। पर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय बाय।